और आप जंग से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं महायुद्ध टॉप लाइन। रूस और बेलारूस ज्वाइंट एयर ड्रिल से वेस्ट की टेंशन हाई। यूक्रेन के करीब रूस ने ड्रिल के जरिए पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाई। दोनों देशों की वायुसेना ने सटीक निशाने की प्रैक्टिस की। वॉर ड्रिल में दर्जनों रूसी फाइटर और अटैक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। रूस और बेलारूस ड्रिल से कीव भी परेशान है। जेलेंस्की को बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर हमले का डर सता रहा, इसलिए रूस बेलारूस ड्रिल की निगरानी के लिए यूक्रेन ने बॉर्डर पर टोही ड्रोन तैनात किए हैं। ड्रोन से ड्रिल पर नजर बनाए हुए है यूक्रेन। रूस के हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है, काफी सैनिकों की मौत हुई है, इसलिए रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन ने देश के युवाओं की ब्रिगेड बनाने का ऐलान किया है। युवाओं से आग्रह किया गया है कि रूस के खिलाफ ब्रिगेड का हिस्सा बने और युद्ध लड़े। रूस की सेना ने खेरसौन में यूक्रेनी वेपन डेपो पर जबरदस्त हमला किया। रूस के हमले के बाद डेपो में रखे हथियारों के पर खच्चे उड़ गए। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमला इतना भीषण था कि हथियार के टुकड़े हवा में उड़ते दिखाई दिए। हमले के बाद डेपो में आग लग गई, हाहाकार मच गया। पूर्वी यूक्रेन में कब्जे को लेकर रूस और यूक्रेन की सेना के बीच आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेन के केपीवी मशीन गन से रूसी ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेनी सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूसी सेना ने टैंक से गोले बरसाए। टैंक ने एक हाईराइज बिल्डिंग को निशाना बनाया। बिल्डिंग से वीडियो बना रहे शख्स पर भी टैंक ने हमला किया। बाल बाल बचे वीडियो बनाने वाले की जान। वॉर जोन में यूक्रेनी सेना का जबरदस्त काउंटर अटैक। बारूदी बारिश से रूसी काफिले को किया तबाह। यूक्रेन के हमले के बाद भागते दिखे रूसी जवान। जान बचाने के लिए ठिकाना खोज रहे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने बैक टू बैक कई हमले किए। जर्मनी और स्वीडन बहुत जल्द यूक्रेन के लिए नए सैन्य पैकेज का ऐलान करेंगे। इस सैन्य पैकेज में यूक्रेन को एंटी मिसाइल सिस्टम दे सकते हैं जर्मनी और स्वीडन। जर्मनी और स्वीडन आपस में चर्चा के बाद सैन्य मदद का ऐलान करेंगे। CIF चीफ के मुताबिक अगला 6 महीना यूक्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विलियम्स बर्न्स का दावा है कि रूस की सेना यूक्रेन पर कई तरह से बड़े हमले करने की तैयारी कर रही है। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।